बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, हम लोग कोई बातें नहीं करेंगे, कोई वादे नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। ये सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन तक नहीं सोच रहे, आज की डेट में जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जिस तरीके से दुनिया तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत डायनामिक होना होगा। वो डायनामिक होने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेस रहेंगे वो आपको तैयार करेंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स का आप लोग पहले तो फ़ायदा उठाओ। एंड ये आप जो भी क्लासरूम एजुकेशन है वो सारे बच्चों को मिलती है, फिर आप लोग अलग कैसे रहोगे? अगर आप लोगों को कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग पढ़ना होगा, अलग सीखना होगा, उसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स काम आएंगे आपको, जहाँ पे आप जाके दूसरी किस्म की पढ़ाई करोगे जो आपको तरक्की में आसानी पैदा करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे आओ, और कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे आओ या कहीं और जाओ, जाके सब जगह से आप सुन सकते हो, मगर करना एट लास्ट आपको ही है, राइट? ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ जो आज हमने बात की है, बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होंगे, वो तो सबको अवेलेबल है, मगर कोई पढ़ के उसको, कोई उसको सुन के उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता है। स्टिल दे फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। आज भी वन ऑन वन एक पर्सन से मिल के उनसे गाइडेंस लेना, उसकी बात अलग ही होती है। तो इस इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स में या और दूसरे भी कोई आपके आपको जो मोटिवेट करते हैं स्टाफ आपके स्कूल कॉलेजेस में भी जो हैं, उनसे टच में रहो, उनसे मोटिवेशन लो, सब्जेक्ट के अलावा भी अपने माइंड को पॉजिटिव एटीट्यूड देते रहो, जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर करो और ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते रहो, ओके? इंडिया में ग्रेजुएशन इज़ अ बेयर मिनिमम, किसी को भी जाके देख लो ग्रेजुएट कोई भी मिल जाएगा, मगर आज भी हम लोग बैंक में जाते हैं तो हर दूसरा आदमी हमको फॉर्म फिलअप करने में हेल्प पूछता है। आज मैं यहाँ जील एजुकेशन के इनविटेशन पे जील एजुकेशन को आया था, जहाँ पे मैं एक एज ए गेस्ट स्पीकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, हमने ज़्यादातर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो आए थे, काफ़ी बड़ी तादाद में आए थे, उनको आज हमने बात की कि वो एग्ज़ाम को फियरलेसली कैसा अपीयर करें और हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स टू स्कोर 100% मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन। तो काफ़ी अच्छा सेमिनार रहा, बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल किए, काफ़ी सारा इनपुट्स मुझसे मांगा, एंड उसके लिए मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि वो लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर आकर इस इवेंट से फ़ायदा उठाया। बट ये इवेंट हो क्यों रहा है, दिस इज़ फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम जील एजुकेशन, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट है, जिसकी कल एक बहुत शानदार ओपनिंग होने वाली है, मगर ओपनिंग से पहले ही उन्होंने ये अहद किया कि वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड दे इन्वाइटेड मी टू कम एंड स्पीक ओवर हियर। तो हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाए कि वो कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, एंड मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये इंस्टीट्यूट अंडर द गाइडेंस ऑफ अजीमुद्दीन साहब, एंड मुबारक पहले तो उनको और साथ में उनके पार्टनर्स को भी और साथ में जो भी उनके वेल विशर्स हैं सभी को मेरे तरफ से मुबारकबाद। एंड मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग इंशाल्लाह आने वाले समय में गुलबर्गा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, और जहाँ पर ये अपने वेरियस कोर्स ऑफरिंग से बहुत ज़्यादा हद तक स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ ज़्यादा हद तक कामयाब भी होंगे। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट का गुलबर्गा में होने का फ़ायदा उठाएँ और इनसे सर्विसेज, इनके ऑफरिंग्स का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू एवरीबडी। आज बतारीख 5 नवंबर जील एजुकेशन की तरफ से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था यहाँ पर, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको रोड मैप तैयार करने के लिए एक सेमिनार रखा गया था। मैं जील एजुकेशन की तरफ से आप सबको जो है ना ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पर मोर देन 40 बच्चे जो है ना यहाँ पर आए, पार्टिसिपेट किए, और हमारा इस इनविटेशन पे उन्होंने जो है ना यहाँ पर आने की जहमत की, और बहुत ही अच्छा सेशन जो है ना हमारा आज यहाँ पर हुआ है। इसको प्रेजेंट किया ज़मीर अहमद साहब ने, जो बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ट्रेनिंग भी करते हैं, और सबसे स्पेशली जो है ना करियर काउंसलर हैं। तो आज हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि वो आज हमारे कॉल पर आए और बच्चों को जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया, पॉइंट टू पॉइंट जो है ना उन्होंने रोड मैप बताया किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर होना है। जील एजुकेशन का भी मैं आपके सामने एक छोटा सा तारुफ देते चलाऊँ। जील एजुकेशन जो है ना गुलबर्गा में एक हमारे जो है ना एक पहल है, जिसके लिए जो है ना जील एजुकेशन जो नीट फ्यूचर में नीट के लिए फुल टाइम कोर्सेज लाएगा, नीट रिपीटेशन को रिपीटर्स के लिए कोर्सेज लाएगा, नीट
इंटीग्रेटेड कोर्सेज लाएगा, नीट नॉन इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है ना हम लोग इसमें इंशाल्लाह आगे लाएंगे। और अभी हमारे पास जो है ना फाउंडेशन कोर्स जो है ना ऑलरेडी एडमिशन चालू है हमारे पास, जो बच्चे जो है ना 8, 9, 10th में हैं वो फाउंडेशन कोर्स जो है ना अभी इनरोल कर सकते हैं हमारे पास एडमिशन के लिए। मंडे से इंशाल्लाह ऑफिस फुली फुल फ्लेज ओपन होगी और बहुत ही एक्सपीरियंस और टैलेंटेड जो है ना फैकल्टीज़ हम लोगों ने हायर किए हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारे बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी तो हम जो है ना IITians को यहाँ पर बुलाकर वीकेंड्स में जो है ना स्पेशल क्लासेस चलाएंगे। और जैसा कि हमारे लीफलेट एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया गया है, संजय भट्ट जो है ना दिल्ली के बहुत ही मशहूर जो है ना फैकल्टी हैं जो IITian हैं, दिल्ली से जो है ना उन्होंने IITian किया है, वो किसी वजह से हमारे आज के प्रोग्राम में नहीं आ सके, उनकी हेल्थ के इशू की वजह से आखिरी मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम। तो मैं सभी हमारे व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, और हम ये एजुकेशन सेंटर जो है ना सिर्फ कमर्शियल बेस नहीं है, बल्कि हम एक फ़िक्र से जो है ना यहाँ पर एक फ़िक्र से हम लोग जो है ना एक एजुकेशन सेंटर डाले हैं ताकि हमारे बच्चे जो है ना उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। आपको एक सिंपल एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ, जैसा हमारे बच्चे जो है ना स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर हमारे बच्चे या गुलबर्गा में ज़्यादातर स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं, तो स्टेट बोर्ड स्कूल्स को आगे जाकर CBSE और ICSE के बच्चों से कंपटीशन करना रहता है। जैसा आप सबको मालूम है नीट और CET और JEE के एग्ज़ाम में कोई स्पेशल अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं रहता स्टेट बोर्ड के लिए, CBSE के लिए, ICSE के लिए। यहाँ पर आपको एक ही पेपर दिया जाएगा जिसमें ICSE के बच्चे भी रहेंगे जो टॉप फैकल्टी से जो है ट्रेनिंग लेके आएंगे, CBSE के रहेंगे उसमें सेकंड मोस्ट टॉप फैकल्टी से ट्रेनिंग लेके आए हुए होंगे, और हमको स्टेट बोर्ड के बच्चों को जो है ना वो लेवल पर जो है ना जाकर बहुत ही मुश्किल होगी उनसे कॉम्पीट करने के लिए। तो ZEEL एजुकेशन ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि कोई भी स्टेट बोर्ड का जो भी बच्चा है वो जो है ना CBSE के सिलेबस से प्रिपेयर होकर आगे जो है ना अपने आप को जो है ना अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, जो यहाँ पे आए हमारी रिक्वेस्ट पे और आके हमारा सेमिनार को कामयाब बनाया। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ZEEL का। ZEEL इज़ ए प्रोफेशनल एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नीट, JEE एंड CET। तो हम लोगों ने अपना सेंटर शुरू किया है, देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, हम लोग कुछ करके दिखाने का ये करते हैं, हम लोग कोई बातें नहीं करेंगे, कोई वादे नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग कुछ करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कुछ। थैंक यू।